वेलकम टू द देसी कार चैनल। महिंद्रा ब्लेजो 25 जो कि नए एक्सल नॉर्म्स आने के बाद अब महिंद्रा ब्लेजो X28 कहलाती है। ये गाड़ी महिंद्रा की बाकी हैवी कमर्शियल व्हीकल के जैसे ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकदम बेहतरीन गाड़ियां बनाने के बाद भी महिंद्रा के हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स कम क्यों होते जा रही है। महिंद्रा अपने हैवी कमर्शियल रेंज में बेहतरीन इंजन, खतरनाक लुक्स और एक से बढ़कर एक फीचर्स देती है, फिर भी इन गाड़ियों की बिक्री घटती ही जा रही है। साल 2019 की सेल्स फिगर देखें तो दिसंबर के महीने में हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की सिर्फ 478 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, वहीं पूरे साल में सिर्फ 4186 यूनिट्स ही बिक पाए हैं, जो कि टाटा और अशोक लेलैंड की सेल्स फिगर से बहुत बहुत दूर है। महिंद्रा प्लेजो X28 की ही बात करें तो इस गाड़ी में टाटा और अशोक लेलैंड और कई मामलों में भारत बेंज के फीचर से भी बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि इस गाड़ी में आपको 7.2 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 274 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 2200 आरपीएम पे, और 950 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है महज 1100 आरपीएम से स्टार्ट होकर 1700 आरपीएम तक। ये इंजन टाटा और अशोक लेलैंड में आने वाले 180 हॉर्स पावर के इंजन से 52% ज़्यादा पावरफुल है, वहीं भारत बेंज के 230 हॉर्स पावर के इंजन से 6% ज़्यादा पावरफुल है। वहीं फीचर्स की तरफ देखें तो टाटा और अशोक लेलैंड के 28 टन की गाड़ियों में आपको सिर्फ बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं, जैसे कि एनालॉग मीटर और ब्लोअर्स, जबकि ब्लेजो X28 में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, LED बैकलिट, पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, HVAC सिस्टम, कार लाइक केबिन, स्लीपर बर्थ, यूटिलिटी एंड स्टोरेज स्पेसेस, मल्टी मोड इंजन विथ हैवी लाइट एंड टर्बो बटन्स, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, LED केबिन लाइट्स, सन वाइजर्स और भी बहुत कुछ। इनमें से कई फीचर्स भारत बेंज में भी नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी और पावरफुल गाड़ी बनाने के बावजूद और इतने सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर देने के बाद भी महिंद्रा की गाड़ियां बिकती क्यों नहीं हैं? इसके चार कारण हैं। सबसे पहला कारण है एक्स्ट्रा प्राइस। इतने सारे एडवांस फीचर डाल देने के कारण ये गाड़ी टाटा और अशोक लेलैंड की गाड़ियों से 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा महंगी है। दूसरा कारण है सर्विसबिलिटी और स्पेयर पार्ट्स। कंपनी की तरफ से आपको बेहतरीन सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, जैसे कि 36 आवर्स गारंटी टर्न अराउंड, मोर माइलेज और गिव द ट्रक बैक, गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स और भी बहुत कुछ। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदते हैं वो खुद अपने किसी लोकल गैराज में सर्विस और मेंटेनेंस करवाना पसंद करते हैं, लेकिन इन गाड़ियों की लोकल गैराज में सर्विस कराने पे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि महिंद्रा के स्पेयर पार्ट्स अभी तक लोकल शॉप्स में अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा कारण है माइलेज। कंपनी ये दावा करती है कि अगर आपको कंपटीशन की गाड़ियों से ज़्यादा माइलेज नहीं मिला तो वो अपनी गाड़ी वापस ले लेगी। इतने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बाद भी बहुत लोगों को कंपनी की इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास ये गाड़ी है और जहाँ तक मैंने भी देखा है, महिंद्रा की X28 ओवरलोड में सिर्फ 3.1 से 3.5 तक का ही माइलेज निकाल पाती है, जो कि टाटा और अशोक लेलैंड और भारत बेंज के मुकाबले बहुत ही कम है। चौथा कारण है रीसेल वैल्यू। हाई प्राइस, लो माइलेज और स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज के कारण ऑटोमेटिकली महिंद्रा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू सबसे कम हो जाती है। इन सभी कारणों से इस गाड़ी की बिक्री कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि महिंद्रा की गाड़ियां बेकार हैं। बस महिंद्रा की गाड़ियां पॉपुलर नहीं हैं, जिस वजह से स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। हो सकता है कि समय के साथ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आए, जिससे लोगों का इन गाड़ियों पर विश्वास बढ़ता जाए और इनकी सेल्स भी इम्प्रूव हो और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाए, तब ऑटोमेटिकली इन गाड़ियों की सेल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।